नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में पिछले दिनों खाद एवं यूरिया की कमी पाई गई थी, जिसको लेकर के कई जगहों पर बवाल भी हुआ था। साथ ही साथ आज इस सहयोग कार्यक्रम में, बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से जब हमने यह सवाल किया कि खाद एवं यूरिया की कमी लगातार दिख रही है, तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ, कोरोना काल में पिछले दिनों जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, ट्रांसपोर्टेशन में रुकावट आई थी, इसको लेकर के खाद और यूरिया की समस्या सामने आई थी बिहार राज्य में। अब लेकिन इसमें कोई कमी नहीं हो रही है, राज्य व केंद्र सरकार की मदद से अब इसमें कहीं पे भी कमी नहीं दिखाई जा रही, किसी भी किसान का खाद एवं यूरिया की वजह से काम नहीं रुक रहा। क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सुनवाते हैं आप। किसान जो है वो परेशान हो गए हैं खाद के कमी, यूरिया नहीं मिल रहा है सर कई जिलों में। यूरिया की कमी जरूर हुई और उस कमी को केंद्र सरकार की मदद से हम लोगों ने दूर भी किया है। अभी स्थिति सामान्य है और कमी का कारण भी आप सब जानते हैं, कई बार मैं कह चुका हूं कि कोरोना काल में शिपिंग बंद हो गया, बंद करना पड़ा, बंद नहीं हो गया, करना पड़ा। जो विदेश से जो आयात होता था खाद का, लगभग 30% खाद उसका आयात बाहर से होता था, विदेश से खाद आती, वो बंद होने के वजह से कमी हुई है। लेकिन अपने देश के अंदर जो उत्पादन होता है तो उन कंपनियों का उत्पादन बढ़ा करके उस कमी को पूर्ति करने का काम केंद्र सरकार ने किया। और जो कठिनाई आई, जो कमी महसूस हुई, उस कमी को पूरी की गई। खाद की कमी भी हुई, खाद की आपूर्ति भी हुई और खाद के कमी के कारण किसान का फसल और बाकी खेती प्रभावित नहीं होने दिया। हम लोगों ने परेशानी हुई, लाइन लगाना पड़ा, देना पड़ा, देखना पड़ा कि ऐसे किसान जिनके नाम पर जो ऐसे जो किसान नहीं है वह भी खाद उठा रहे हैं, तो यह सब देखना पड़ा। जो सही किसान है उनको खाद मिले, उनको पहुंचे, वो खाद ले पाए, इसकी व्यवस्था करनी पड़ी, प्रशासन को भी उसमें लगना पड़ा। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो ले करके और उसको ब्लैक में बेच के अपना आमदनी करेंगे, ऐसे लोग भी इस मौके पर जब कमी होती है तो लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। और कुछ राजनीति भी हुई तो सबका सामना करते हुए सरकार ने खाद की जो कमी हुई थी उस कमी को पूरा करते हुए स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया और उसमें हम लोगों को सफलता मिली है। आज कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां खाद एम्पुल वहां पर वहां के स्टॉक में नहीं, और सभी जिलों की रिपोर्ट है कि उनके यहां खाद कितनी है, स्टॉक में कितनी है, हम सब ले करके बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक रिपोर्ट आप देखिए, हंगामे की बात जहाँ मैंने बताया कि पॉलिटिकल हंगामा, अब जो एक बात कोई होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रचारित करना, मुद्दा तो विपक्ष के पास कहीं कुछ है नहीं, तो मुद्दा कैसे बने। अब मुद्दा को बनाने में, खोज के बनाने में लगा हुआ है विपक्ष, उसके कारण कहीं कहीं कुछ होता है लेकिन वहाँ कुछ बात नहीं। असली जो किसान है, जो वास्तविक किसान है, उस किसान को खाद हम आवश्यकता के अनुसार दे देने में सफल हुए और कहीं भी किसी भी किसान की खेती खाद के कमी के कारण प्रभावित नहीं होने दिए।